अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं ऑटो पॉइंट पीके। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक कॉइल कड़ा जो गाड़ी में लगा होता है, जिसकी जो लाइट वगैरह और स्टार्टिंग का काम करता है, वो अगर ख़राब हो जाए तो वो हम लगाना आपको सिखाएंगे कि किस तरह उसको लगाया जाता है और किस जगह लगा होता है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो नाजरीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और दिखाते हैं आपको कि कॉइल कड़ा हम किस तरह चेंज करते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले टाइप इसका साइड टापा खोलना है। वहाँ पर इसके जो कनेक्शन दिए हुए हैं कॉइल कड़े के, वो कॉइल कड़े के कनेक्शन खोल लेने हैं। तो इसकी पांच तारें हैं, पांच वायर हमने खोल लेनी है, लाइट की भी और कॉइल कड़े स्टार्टिंग कॉइल की भी। तो नाजरीन, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन इसके दिए होते हैं तो सबसे पहले हमें यही खोलने पड़ेंगे, उसके बाद कॉइल कड़ा निकलेगा यहाँ पर। तो अब साइड पर आ जाते हैं हम। साइड पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेट कॉइल लगा हुआ है, उसको हमने खोलना है, जहाँ पर कॉइल रिंग लगा हुआ है इसका। और सबसे पहले हमने इसके ये गियर लीवर खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक गियर लीवर नहीं खोलेंगे ये टैपा नहीं निकलेगा बाहर। तो इसके तीन बोल्ट हैं, तीनों बोल्ट हम खोल लेते हैं मैग्नेट टापे के। आठ नंबर टी रॉड से, आठ का टी रॉड लगेगा यहाँ से और ये बोल्ट खुल जाएंगे। इसके टापे के दो बोल्ट लगे हुए हैं, तीसरा आप देख सकते हैं खाली है, तो हम दो खोलेंगे फ़िलहाल अभी इसके। और नाजरीन, ये देख सकते हैं आपके सामने ये मैग्नेट आ चुका है। इसके अंदर कॉइल सेट लगा होता है जो स्टार्टिंग का और लाइट का करंट का काम करता है। तो ये हमारा ख़राब हो चुका है, तो इसको हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने ये इसका जो शिकंजा है ये लगाकर 14 नंबर टी आर से हमने इसका ये बोल्ट खोल लेना है। इसके बाद हमने पूलर लगाना है। पूलर लगा कर हमने इसको उल्टी, पुलर हमेशा उल्टी चूड़ी कसी जाती है, सीधी चूड़ी नहीं कसी जाएगी। ये आप जब उसको उल्टा कसेंगे तो ये चूड़ी टाइट होती जाएगी अंदर। तो और ये नट जो आप जब दोबारा इसको सीधा चूड़ी से कसेंगे, टाइट करेंगे, तो ये मैग्नेट निकल के बाहर आ जाएगा, ये पुश करेगा एक बोल्ट्स को। ये 14 नंबर से इसको हम टाइट करते हैं तो पुश किया इसने और ये मैग्नेट लूज़ हो गया और मैग्नेट बाहर निकल आएगा इसका। तो मैग्नेट हमने नाजिन बाहर निकाल लिया है इसका। तो इसके जो आप बोल्ट देख सकते हैं, दो बोल्ट इसके सेंटर में लगे हुए हैं, आठ के टी आर से खुलेंगे ये दो बोल्ट, जिससे कॉइल कड़ा खुल जाएगा। और अब ये साइडों पे देख सकते हैं, ये एक पर्सनल कॉइल है, इसको भी खोलना है। इसके दो बोल्ट खोल लिए हैं हमने और एक ये वायर को जिसको कवर किया हुआ है, ये बोल्ट खोल लेना है। तो ये हमारा कॉइल कड़ा खुल गया है बाहर। तो नाजरीन, बस यही छोटा सा काम है इसका, कॉइल कड़ा चेंज करने का, कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। अब आपने जो कड़ा चेंज करना है, जिस कंपनी का भी चाहिए आपने लिया है या परचेज़ किया है, वो आपने लगवाना है। मतलब हमारे ये फ्यूचर का डलवा रहे हैं तो हमने फ्यूचर का डालना है इसके अंदर। आप सबसे पहले ये देखना, जब भी चेंज कॉइल कड़ा चेंज करें तो ये देखना लाजमी है कि वो कॉइल कड़ा पहले कौन सा लगा हुआ है, वो छः कॉइल में लगा हुआ है या पाँच कॉइल में लगा हुआ है। अच्छा नाजरीन, मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको बताता चलूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ये आप देख रहे हैं ये पांच कॉइल वाली है, जो टोटल छः लगी हुई हैं, लेकिन जो पांच कॉइल हैं वो है इसकी लाइट की, और जो ये छोटी कॉइल लगी हुई है ये लगी हुई है स्टार्टिंग कॉइल। चाइना के अंदर आप इस कॉइल को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुकम्मल फिक्स आती है। ये आपको अगर ये ख़राब हो जाए सिंगल, तो ये आपको मुकम्मल कड़ा चेंज करना पड़ता है इसके लिए। तब जबकि CD70 में ये आप देख सकते हैं टोटल छः कॉइलें लगी हुई हैं CD70 की, लाइट वाली हैं ये वाली, और जो छोटी कॉइल लगी हुई है ये वाली, ये स्टार्टिंग कॉइल लगी हुई है। ये अगर आपके कोई ख़राब हो जाए कभी, तो आप ये सिंगल अकेली चेंज कर सकते हैं। तो बस ये डिफरेंस आपको बताना था इसका कि इसमें कितनी कॉइलें होती हैं। CD70 में ये छः कॉइलें आती हैं, ये देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, और इसमें जो चाइना में है ये पाँच कॉइल हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो 70 में छः कॉइलें इजाफी होती है, कॉइल इजाफी होती है पावर अच्छी करने के लिए। तो नाजिम, बस ये मैंने आपको इसका डिफरेंस बताना था, बाकी आप मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। जो मैं छोटी कॉइल के बता रहा हूँ कि जो ये वाली कॉइल है, ये कड़ा इस तरह फिट होगा, ये वाली कॉइल इसी साइड पर आएगी।
तो आप देख सकते हैं ये हम सीडी 70 का ही हमारा कड़ा है जो हम लगाएंगे। अब इसके अंदर 6 कॉइलें जो इसकी होती हैं लाइट की, और एक कॉइल जो है वो स्टार्टिंग की होती है, और साथ इसके छोटा पर्सनल कॉइल होती है जो आपके सामने देख सकते हैं आप। तो नाज़रीन हम ये कॉइल कड़ा फिट कर रहे हैं, जिस तरह हमने खोला था सेम उसी तरह ही हमने इसको फिट कर देना है, उसी तरह ही दो बोल्ट कसकर हमने इसको फिट कर देना है, और जो जहाँ जिस साइड से कॉइल हमने देखी थी खोली थी उसी साइड पर ही कॉइल रखनी है हमने इसकी। आप देख सकते हैं वो छोटी जो कॉइल है स्टार्टिंग वाली वो साइड पे लगी हुई है, तो वो उधर ही फिट होगी उस जगह पर ही, क्योंकि इसकी कॉइल की फिटिंग सेम वही होती है। इसी तरह ही आपने तारों को कवर कर लेना है। जिस तरह आपने इसको खोला था सेम उसी तरह ही फिटिंग कर देनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसका, बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह आप खोला है आपने उस तरह फिट कर देना है। तो ये कॉइलें कसने के बाद बोल्ट शोल्ट लगाने के बाद तारों को अच्छी तरह कवर कर देना है आपने, ताकि तारें शार्ट ना हों आपस में। अगर शार्ट होंगी तो आपके कॉइल कड़ा मिसिंग करेगा और करंट आपका पूरा नहीं बनेगा, तो इसलिए एहतियात करें कि तारों को अच्छी तरह कवर कर लें। तो नाज़रीन बस ये हमारा इतना काम कमोल हो चुका है यहाँ पे। अब हमने इसको मैग्नेट कसना है, जो जिस तरह हमने खोली है चीज़ उस तरह हमने फिट कर देनी है। तो नाज़रीन हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, हमने इसी तरह टापा फिट कर देना है और गियर लीवर लगा देना है इसका। उसके बाद हमने साइड पर आ जाना है जहाँ पर हमने इसके कनेक्शन करने हैं सारे। जिस तरह हमने कनेक्शन खोले थे नाज़रीन आपको बता दें कि सेम वैसे ही कनेक्शन होंगे इनके, सिर्फ इसमें इन्होंने ग्रिप दे दी है, तो हम इस ग्रिप को कटिंग करके इसके ऊपर पिने लगा कर इसके कनेक्शन उसी तरह ही जोड़ देंगे सेम सेम कलर के साथ, जो जो कलर हैं इसके। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं वही कलर हैं सेम, येलो के साथ आपने येलो लगा देना है, वाइट के साथ वाइट लगा देनी है, और ग्रीन के साथ ग्रीन ग्राउंड लगा देनी है इसकी। उसके बाद आता है ब्लू और वाइट, जो कि छोटी जो पर्सनल कॉइल मैग्नेट के साथ बाहर लगी हुई थी उसका कनेक्शन कर देना है आपने, और जो एक छोटी स्टार्टिंग कॉइल है जिसमें रेड में ब्लैक और रेड वायर का निशान आ रहा है बीच में कलर आ रहा है, वो आपने उसके साथ जोड़ देनी है। तो नाज़रीन हमारे यहाँ कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे इसके, और इंशाल्लाह जब आप इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो करंट पहले से ज़बरदस्त होगा और बेहतर होगा, और स्टार्टिंग में आपकी ओके हो जाएगी। तो नाज़रीन हमारा काम मुकम्मल हो चुका है, कनेक्शन वगैरह हमने कर दिए, इसको अच्छी तरह टेप कर देना आप ताकि इसके जो कोई वायर अपना लूज़ ना हो, कोई तार बाहर ना रह ना जाए, ताकि शार्टिंग ना हो इस चीज़ की, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब हम जितने भी इलेक्ट्रिशियन जो हैं वो अक्सर भूल जाते हैं, या कोई मैकेनिक अगर लगा के देता है तो वो इन तारों पर ध्यान नहीं देता, कोई ना कोई तार नंगी रह जाती है जो बगैर टेप के होती, तो वो बाद में बड़ा मसला पेश करती है। तो लिहाजा आप जब भी काम करवाएं तो कोशिश किया करें पूरी टेप के साथ काम करवाएं, जहां पर आपको थोड़ा सा भी लूजिंग नज़र आए वहां पर टेप ज़रूर लगवाया करें, इससे आपकी वायरिंग एक तो सेफ़ रहेगी और आपस में टच नहीं होगी, शार्ट नहीं होगी, और आपको परेशानी बाद में नहीं पैदा होगी। तो नाज़रीन बस ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने सिर्फ आपको कनेक्शन समझाने थे कि किस तरह चेंज किया जाता है कॉइल कड़ा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको ये बताएँगे कि कॉइल कड़ा क्यों ख़राब होता है, कड़े को चेक करने का तरीका क्या है, इसके कितने ओहम होते हैं,
और इसमें और इसकी कितनी पावर होनी चाहिए, कितने ओम होनी चाहिए, ये सब आपको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ज़रूर देखना हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो नाज़रीन, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर किया करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको बरवक्त मिल सके। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।